जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। संध्या समय उपनीत जय जगन्नाथ टीवी रे पतित पावन देवंकर संध्या आलतीर दर्शन आलट लागि चामर लागिर दर्शन करि आपण निज घरे निज घर ठाकुरंकर आलती मध्य संपन्न करुछंती एवं से घर भितरे गोटे धर्म भावना सृष्टि करबा पई किछि प्रभुंकर कथा अमृत मध्य परस्पर मध्य आलोचना करुछंती। एही संध्या समय रो मुहूर्त जो संध्या समय रे आलती दर्शन करिथाउ संध्या आसीगले समस्तंकर प्रार्थनार समय आसे जेमती गोटे ब्रह्म मुहूर्त आसीगले समस्तंकर मन भितर गोटे भक्तिभाव सृष्टि होता है। संध्या मुहूर्त आसीगले बा संध्या समय आसीगले आपे आपे मन भितर से प्रभुंकर चिंतन प्रभुंकर भक्तिभाव आसी थाए। आगे तो आमे संध्या हेबा समय आमे प्रत्येकंक घर शुणु पिला माने प्रार्थना करंती आहे दयामय विश्व विहारी पिला माने बसिक से प्रार्थना करिवे। ए दृश्य मध्य वर्तमान लिभि लिभि जाउची तथापि केतकांशरे संध्या समय ए संस्कार को आनिबा पई अभिभावक अभिभावक माने मध्य चेष्टित अछंती निजर पिला मानकु संध्या हेले हाथ गोड़ धुआ धुई करबा को आदेश दे थांती परामर्श दे थांती। घर ठाकुरंक पाखरे जेते बेले जेजेमा कि माँ से मैंने आरती करुछंती से ठाकुर को प्रणाम करिबा पाई मध्यम शिक्षा प्रदान करिछंती। यहा पिला मानंकर जीवन भितरे बा जीवन मार्ग रे ही प्रतिफलित होइथाय शिक्षा लाभ करिथांत। से संध्या समय रे आमे पतित पावन नारायण कर दर्शन प्राप्त हेउचे आरतीर दर्शन कारण प्रत्येक समय जेते बेले आसी थाए गोटे दिवस आरंभ करिबा पूर्व प्रभु को पाखरे आरतीर संपन्न मंगल आरती को आमे दर्शन करिथाउ। दिवस चली जिबा परे रात्र आगमन संध्या उपनीत हुए रात्रर मंगल कामना करी संध्यार मंगल कामना करी प्रभुंकर संध्या आरती के दर्शन करिथाउ कारण आरतीर दर्शन मंगलदायक आरतीर दर्शन मंगलदायक आरतीर दर्शन करिबा पाई ही भक्त माने पूर्व द्वार रे सिंह द्वार सम्मुखरे अग्निर शिखा अरुण स्तंभ निकट रे प्रदीपटिए जळुचि सेथुरु स्पर्श करी निजर मस्तक रे लगौचति ये होचंती कारण अग्निर शिखा दीपरु मध्य कृपा लाभ करिथांत। नित्य निरंतर प्रभुंक चरण को दर्शन सेवन करी प्रतिक्षण रे क्यों प्रकार आनंदित हेबा उचित की प्रकार आनंद मिली थाए से आनंद निश्चित भाव रे सीता देवी आदर्श बोली आपण स्वीकार करिजिबे। भगवानंकर चरण दुख पान कले ताहाकु मस्तक उपरे धारण कले बा प्रभुंकर आरती की मस्तक उपरे धारण कले कल्याण हुए बोली ए विश्वास रही। तेणु अरुण स्तंभ निकटरे दीपटिए जेतेबेले जळुछंती प्रत्येक भक्त भक्ता माने मंदिर भितर को प्रवेश करिबा पूर्वरु आरतीर स्पर्श नहीं मुखरे मस्तकरे शरीररे स्पर्श करिथांत कारण आश्रित मनोभाव आसी थाए आश्रय र चिंता आसी थाए। भगवान को चरण रे आश्रय नेले मनुष्यर सबु दोष नाश हो जाए तार समस्त विपत्ति चली जाए एवं से गोस्पद परी संसार सागर तरी जाए। भगवानकर से पवित्र चरण रे श्रद्धापूर्वक मन लगे तार नित्य सेवन करिबा प्रत्येक भक्त ये साधन करी थांत। आज पिला मानुकु धरी मंदिर को आसी थांती परिवार सहित मंदिर को आसी थांती कारण भगवानकर भक्तंकर जो संध्या समय रो दर्शन संध्या दर्शन मनुष्य को जेते बेले समय मिले कारण गोटे दिन को अतिक्रम करिबा को हेले ब्राह्म मुहूर्त रही प्रातः समय रही मध्याह्न समय रही अपराह्न समय रही संध्या समय रही रात्र समय रही अर्धरात्र रही पुनश्य ब्राह्म मुहूर्त आगमन करिथाय। तेणु प्रतिटी सोइबा पूर्वरु से भगवानंकर आश्रित होइथाय भगवानंकर दर्शनार्थी होइथाय भगवानंकर श्रणापन्न मध्य होइथाय। तेणु भगवान भक्त ठारु शुणी
भगवान भक्त ठारू शुणी शास्त्र मानक शुणी धातु आदि या मूर्ति चित्रपट रूप से देखि निजर मन को रुचुवा कौन सी भगवान स्वरूप को बाह्य सामग्री मानक भगवान कौन सी निजर अविलसित स्वरूप मानसिक मूर्ति गढ़ी मानसिक सामग्री मानक द्वारा बा मानसिक सामग्री मान द्वारा अथवा सकल भूत मानक परमात्मा को स्थित बोली बुझी समस्त आदर सत्कार करी यथाज्य नानाविध उपचार मान द्वारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक तार सेवन पूजन करिबा एवं तार तत्व रहस्य तथा प्रभाव बुझाबुझी करी प्रेम रे मुग्ध हेबा अर्चन करिबा भक्ति करिबा ए सब लागी पड़ी थाए तार ईश्वर विश्वास मनीषटी ईश्वर विश्वास मनीष जदि आम विश्वास करिबा भगवान को विश्वास कर भगवान कर शास्त्र वर्णित स्वरूप अनेक स्वरूप भगवान कर शास्त्र वर्णित बोली कहगला तेणु भगवान कर शास्त्र वर्णित स्वरूप भगवान कर नाम भगवान कर धातु आदि मूर्ति चित्र अथवा मानसिक मूर्ति को शरीर अथवा मन द्वारा श्रद्धा सहित साष्टांग प्रणाम करिबा समस्त चराचर भूत मानक परमात्मा को स्वरूप बुझी श्रद्धापूर्वक शरीर बा मन द्वारा प्रणाम करिबा एवं एहिपरि करि भगवत प्रेम मुग्ध हो जा बंधन ही भक्ति अटे भगवान कर अनन्य भक्त जे भगवान को चिंता करी थाए भगवान कर मंदिर को जाई श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान को मूर्ति को साष्टांग प्रणाम करिबा निज निज घरे भगवान को प्रतिमा बा चित्रपट को भगवान को नाम को भगवान को चरण चरण पादुका मान को भगवान को तत्व रहस्य प्रेम प्रभाव भगवान को मधुर लीला मान वर्णना जो थे थाए एपरी सत्शास्त्र मान को जो एवं सकल चराचर जीव मान को भगवान को स्वरूप बुझी समान हृदय रे भगवान को स्थिति बुझी नियमपूर्वक श्रद्धा भक्ति सहित गदगद भाव में प्रणाम करिबा बंदन भक्तिर प्रकार अटे तेणु जिते बेले भी आम चिंता करुचे वर्तमान देखुं समस्ते जिते बेले जाती संध्या समय प्रभु को आराध्य देवता दर्शन करने आराध्य देवता दर्शन करेंगे कारण किए भगवान रहस्य को बुझु न बुझु भगवान रहस्य को बुझी ताक प्रणाम करुवा लोकर सब दुख चली जाए श्रद्धापूर्वक भगवान को प्रणाम करुवा लोक कथा कौन कह कौन सी अवस्था भगवान को प्रणाम कले सबू पाप नाश हो जाए तेणु भगवान को प्रिय भक्त मान संग सेवन द्वारा भगवान बंधन भक्तिर रहस्य प्रभाव तत्व बुझिले चंदन भक्तिर प्राप्ति हुए तेणु गुणगान गुणकीर्तन नामकीर्तन संकीर्तन भगवान गुण तत्व रहस्य प्रभाव को जानिबा श्रद्धा प्रेम पूर्वक तांको सेवा करिबा तांकरि आज्ञा को पालन करिबा सेते बेले जे जो माने करि थांती से भगवान दासत्व ही जानती दास्य भक्ति भाव तांकर प्रकटित होता है जो कहा जाए नवदा भक्ति अच्छी नवदा भक्ति भितर दास्य भक्ति रही थाए कई कई दास्य भक्ति सखा भक्ति मध्यम भगवान प्राप्ति होता भगवान सत्ता को अनुभव कर तेणु मंदिर मानक भगवान विग्रह को सेवा करवा मंदिर आदि मार्जन करवा मन द्वारा प्रभु स्वरूप को ध्यान कर तार सेवा करवा समस्त चराचर प्रभु को स्वरूप मन कर समस्त यथाशक्ति यथाज्य सेवा करवा धर्मग्रंथ गीता आदि शास्त्र मान को भगवान आज्ञा मानि ताअुसार आचरण करवा जो कर्म भगवान रुचि जो कर्म भगवान प्रसन्न हमती जो कर्म इच्छार अनुकूल हेब से कर्म को करवा ये सबू दास्य भक्ति प्रकार अटे आज समर्पित होती भक्ता मान देखुं ऊर्ध द्वारदेश भगवान श्रीमंदिर द्वारदेश को आसिले आपे आपे हाथ ऊर्धबाऊ हो जाए आपे आपे मथा नई जाए से प्रभु पदारविंद संध्या आलती पर कर्पूर रही थाए आखिरे लगे हेपाई भक्त मैंने जिते बड़े जाती पतित पावन देवंर संध्या आलती बढ़ी से जो आरती बढ़िबा परे कर्पूर को जो अवशिष्टांश कर्पूर से आखिरे लगे थांती चक्षु जनित समस्या जहाँ रही थाए प्रत्येक दिन जदि कौन सी देवालय रे देव मंदिर रे आरती परे से आरतीर
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ କର୍ପୂର ଆଳତୀକୁ ସେ ଆଖିରେ ପ୍ରଲେପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କେହି କେହି ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କିଛି ଫୁଲଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ, ତୁଳସୀ ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ହାତ ମଧ୍ୟ ପତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାମନ୍ତ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକିଏ ଚରଣାମୃତ ପାଦୁକ ଟିକିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଭକ୍ତିଭାବ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ନବଦା ଭକ୍ତିରେ ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତି, ଜଣେ ମା' କିଛି ଫଳସ୍ୱରୂପ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ତା ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଦେବଙ୍କୁ, କାରଣ ପିଲାଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ସଂସାର ଭିତରୁ ଟିକିଏ ବାହାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କେହି କେହି ଶ୍ରୀଫଳ ଟିକିଏ ଆଣିଥାନ୍ତି, କିଏ ତୁଳସୀ ମାଳ ଟିକିଏ ଆଣିଥାନ୍ତି, କିଏ ବାଡ଼ିରେ ଫୁଟିଥିବା ଗନ୍ଧ ସୁଗନ୍ଧ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଭକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସର ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଗୁମୁଟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ। କେବଳ ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ପତିତ ପାବନ ଦେବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିଛେ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ମହୋଦଧୀ ଆଳତୀ କାହିଁ ଦର୍ଶନ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନି, କାରଣ ମହୋଦଧୀ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ ବିଳମ୍ବ ରହିଛି, ଆଳତୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ମହୋଦଧୀ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ଡେରି ରହିଛି ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ପତିତ ପାବନ ଦେବଙ୍କର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଏ ସୂଚନା ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଦେବାର କାରଣ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ନେଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କାହିଁ ମହୋଦଧୀ ଆଳତୀ ହେଉନାହିଁ, କିଏ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବ, ମହୋଦଧୀ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବ ମହୋଦଧୀ ଆଳତୀ ହେଲେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଖବର ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଆମ ପାଇଁ ମହୋଦଧୀ ଆଳତୀ ବିଳମ୍ବ ରହିଛି, ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ରହିଛି, ତେଣୁ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଏ ବର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଯେଉଁ ଗୁମୁଟ ଭିତରେ ପତିତ ପାବନ ଦେବକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସାମନ୍ତ ସେବକ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଗୁମୁଟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପତିତ ପାବନ ଦେବ ରହିଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ଅନେକ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ବିରାଜମାନ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି କୃପା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁପଟେ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ହନୁମାନ ସୁଗ୍ରୀବ ହନୁମାନ ରହିଛନ୍ତି, ଏକ ଠଣା ମଧ୍ୟରେ ଉପାସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁପଟେ ପତିତ ପାବନ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନେକ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅଧରମାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝୁମ୍ପା ନାକୁଆସି ପୈରମାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣ ପରିଧାନ କରି ଆଭୂଷିତ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କର ତୁଳସୀ ମାଳ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଅଧର ପାଖରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ରହିଥାଏ। ସେ ତୁଳସୀର ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ ଠାକୁର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାରରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ହିଁ ରହିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୈବେଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ ଭୋଗ କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିବ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେ ଗୁମୁଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଗୁମୁଟରେ ପତିତ ପାବନ ଦର୍ଶନ ଛଡ଼ା ଫତେ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଗଣନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୂର୍ବ ଗୁମୁଟରେ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛୁକ
जे इच्छा करती सबु कार्य करी सबु कार्य से सिद्धि लाभ करती। तेणु आमे केवल पाद सेवन भक्ति द्वारा मनुष्यर समस्त दुर्गुण दुराचार दुख सर्वथा नष्ट हो जाए। भगवान कठारे अतिशय श्रद्धा भक्ति हुई तांक आत्यंतिका परम शांति प्राप्ति हुई तांक पाई दुर्लभ किसी रहे ना। भगवान किसी असंभव नुहे सबकि प्राप्त करदे भक्त को से आम जिते भी चिंता प्रार्थना करूँ भगवान करा नाम को टी तुंड धरी था ईश्वर को मन भितर चिंता करूँ भक्ति मन भितर आसे ईश्वर कथा चिंता करूँ कारण भक्ति विद्या बुद्धि आवश्यकता किसी न था। भक्ति कौन सी विद्या आवश्यकता ना बुद्धि आवश्यकता ना स्वत भक्ति ये शक्ति से भगवत प्राप्ति करदे था। ईश्वर भक्ति बयस व रूपर किसी मूल्य ना। जेकोसी पिलाटे शिशु पिलाटे भगवान सानिध्य प्राप्त हो जापे तेणु ईश्वर भक्ति बयस रूपर किसी मूल्य ना कि विद्याधन जातिबल किसी आवश्यकता ना। तेणु सदगुण सदाचार प्रति भगवान एत दृष्टि दिये ना से केवल भाव को भक्ति को परखी था देखि था। जेणु अनिर्वचनीय ब्रह्मानंद प्राप्ति पाई भगवत भक्ति सदृश कौन सी जुगरे अन्य कौन सी भी सुगम उपाय ना। आपण जिते बड़े चिंता करेंगे कली जुगरे तो ये प्रभुंकर नाम कली जुगरे प्रभुंकर नाम छड़ा किसी ना। तेणु आसतु से प्रभुंकर नाम को चिंता करवा प्रभुंकर गुणकीर्तन करवा सुमधुर भजन टीए श्रवण करवा से भजन माध्यम प्रभु को आम अनुभव करवा। जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।